पहले वो अपने अपनी स्टेटमेंट दे दें, आपसे शेयर कर लें चीज़ें, उसके बाद हम अगले फॉर्मेट पे चलेंगे। प्लीज़, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि हम सारी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे इस वक्त है, और न्यूज़ीलैंड की जो होम सीरीज़ है उसके लिए हमारी ये पहली सिलेक्शन है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया और प्रोसेस थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम 5 सिलेक्टर हैं विद कैप्टन एंड कोच जो हैं वो आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो जो भी टीम हम लोगों ने डिसाइड किया दैट इज़ विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और थोड़ा सा क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों ने कल लड़कों से ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में कि हमें ये सीरीज़ कैसे खेलनी है, व्हाट आर आर गेम्स प्लान, वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है, और उसके लिए हमने उनको एक डीप ब्रीफ दिया है। इस पूरी सीरीज़ में आप लोग रोटेशन पॉलिसी देखेंगे, हम लोगों ने कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें की हैं, और हम लोगों ने उनसे ये बात की है कि जो लड़के इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट होंगे उनको तो हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन जो इस सीरीज़ से में नहीं सिलेक्ट होते दे विल स्टिल बी पार्ट ऑफ आर वाइट बॉल कैंपेन। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए अभी हमारे पास जो मिनिमम मैचेस हैं हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन टीम जो है वो तश्कील दी है। इसमें कोच का भी इनपुट था और इसमें कप्तान का भी इनपुट था। तो मैं पहले टीम अनाउंस कर देता हूँ। जी, कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, फ़ख्र ज़मान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान। इसके साथ हम लोगों ने 5 रिज़र्व्स भी रख लिए, लेकिन वो नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स होंगे। हसीबुल्ला, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा। गोइंग फॉरवर्ड, आमिर और इमाद के ऊपर ये था कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था फॉर द सिलेक्शन, एंड आई थिंक ये मद्देनज़र रखते हुए कि हारिस रऊफ जो है वो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है विल गेट फिटर बाय द इंग्लैंड सीरीज़, तो वी नीड सम एक्सपीरियंस। और नवाज़ की जो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी तो ऑब्वियसली इमाद वसीम कम्स एज ऑटोमेटिक चॉइस। तो अब मैं यूसुफ भाई को माइक देता हूँ, और उसके बाद आप जो सवाल करना चाहें पूरी सिलेक्शन कमेटी उसके लिए हाज़िर है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके क्वेश्चन के सब जवाब देंगे, लेकिन मैं दो प्लेयर्स को मुबारकबाद दूंगा। एक तो उस्मान खान है और एक इरफानुल्ला नियाज़ी। दोनों यंगस्टर हैं, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन हुई है, और ये एक अच्छी चीज़ है। कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है, उनको आप मौका देते हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, और दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन होती है कि वो और मेहनत करेंगे ताकि उनको नज़र आए कि जो परफॉर्म करता है उनको पाकिस्तान खेलने का मौका मिलता है। तो मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों को मुबारकबाद दूंगा, और मैं विश करूंगा उनको कि दोनों इतना अच्छा खेलें कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो उनसे। स्टार्ट करेंगे प्लीज़। सुहेल इमरान, रफ़ी खान, अन याकूब साहब। वहाब जी, जिस तरह खिलाड़ी आपने चुनाव किया है इनका, ये हम समझ सकते हैं कि आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए आपने 1 मई तक के नाम भी देने हैं, 25 उसकी लास्ट डेट भी होगी रद्दबदल के लिए, तो ये न्यूक्लियस जो होगा ये लगभग यही होगा, या इसके बाद भी आप सोच समझ सकते हैं कि जी इससे बाहर भी लड़के आ सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने 17 का स्क्वाड अनाउंस किया, और ऑब्वियसली साथ हमने 5 रिजर्व्स किए, तो इसका मतलब यह है कि ये 20 से 22 लड़के हैं जिनके ऊपर हम पूरा इनहिसार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक, जो वर्ल्ड कप की कैंपेन है ये 25 मई को जो हमें नाम देने हैं, उससे पहले पहले वी विल इंशाल्लाह फिर फाइनलाइज कि कौन से लड़के जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो कि आप सिलेक्टर भी हैं और सीनियर मैनेजर भी बन गए हैं। तो ये बताइएगा कि आप बहस मैनेजर हमेशा टीम में एक हुआ करता था जिसका काम था मैनेज करना टीम को, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसलिए शामिल किया गया है कि आप खिलाड़ियों को ऑब्जर्व भी करेंगे? तो बेहतर नहीं था कि आप सीनियर मैनेजर की बजाय
आप ऑब्जर्वर का नाम शामिल करवाते एक, दूसरा रजाक साहब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं, जो हालात चेंज होते हैं, पूरा तिया पांचा हो जाता है, तो क्या आप दूसरे ममालिक में वर्ल्ड कप के लिए 18-19 खिलाड़ियों की लाइनअप तैयार कर ली है उन लोगों ने, कि आप नहीं समझते कि खुदा ना खास्ता अगर हुकूमत चेंज हो तो आप लोग दूसरे लोग आपकी जगह पे बैठे होंगे, तो ये पाकिस्तान में लैक नहीं है इस किस्म का? बड़ा अच्छा सवाल किया तुसी। हुकूमत तो चेंज होंदियां ने, सारी चीज़ चेंज होंदी, पर मीडिया चेंज नहीं होंदी, मीडिया सेम की सेम ही है। अब ये देखे, हमने जो एक हमारा विजन जो है हमने को सेट किया है सब ने मिलकर, यही है कि हम एक ऐसा सिस्टम सेट कर दें, हम रहते या नहीं रहते, हुकूमत रहती कि नहीं रहती, कोई चेंजिंग होती कि नहीं होती, पर ये कि प्लेयर्स के साथ जो है ना बिल्कुल इंसाफ हो, और प्लेयर को ये फील ना हो कि कोई रहे ना रहे तो उनकी सिलेक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा हो उससे। तो हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिस्टमाइज करें सारा कुछ। आपके सवाल का जवाब देते हुए कि एज अ सेलेक्टर और उसके बाद सीनियर मैनेजर, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इन सब जो हमारा पैनल है उसको एडिशनल जिम्मेदारियाँ भी दूँगा, तो ये जिम्मेदारी उसमें से एक जिम्मेदारी। दूसरी बात यह कि ये जो सीनियर मैनेजर की आप बात करें कि आज से पहले नहीं हुआ, आप इसको सीनियर मैनेजर कह दें, आप इसको ऑब्जर्वर कह लें, पहले भी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर साथ काम करते रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और ये हिस्ट्री में रहा है, इवन के लास्ट सीरीज़ में भी मैनेजर और सीनियर मैनेजर्स थे, और ये एक चलती आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है या कोई समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स है। आपको सवाल को आगे लेके जाते हुए, ऑब्वियसली एज अ सीनियर मैनेजर ऑब्वियसली आई विल लुक इनटू द मैनेजमेंट साइड एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई विल आल्सो सी ओवरसी द रोटेशन पॉलिसी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बच्चों के साथ लड़कों के साथ रहना, उनके वर्कलोड्स को ऑब्जर्व करना, और ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, दुनिया में जितने भी सेलेक्टर्स हैं वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपनी टीम्स के साथ ट्रैवल भी करते हैं, बट एज एन मैनेजर ऑब्वियसली वी आर लुकिंग इनटू द मैनेजमेंट साइड प्लस looking at the what things are going and how things are progressing in the future, so that is thank you ji. ye mera question hai pehle yusuf sahab se hai. yusuf sahab aap mashallah in sab se senior hain, to aapko ye mehsoos nahi ho raha ki ek chief selector hona chahiye tha? ye jo tajruba hua hai, ye pehli dafa main duniya mein pehli dafa ye hua tajruba, to aapko agar chief selector ho to zyada achhi baat nahi, ek aadmi to hona chahiye ki fikr, ab hame kuch samajh nahi aati hum question kisse kare, kaun responsible hai. और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने ये डिसीजन लिया, एक दूसरी बात यह है कि आपकी कमेटी में माशाल्लाह पांच लड़के जो है ना, वो पांच मेंबर जो है वो लाहौर से हैं, तो आपको कमी नहीं महसूस हो रही कि हमारे पास लड़के कोई होना चाहिए था, कोई पेशावर से भी होना चाहिए था, कोयटा से भी, जो होता रहा है? और दूसरा ये है कि ये उस्मान को भी डाला गया है और अमर को भी, इमाद को भी, सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पर डाला गया है, कई लड़के होंगे, अच्छे लड़के होंगे जो पूरा डोमेस्टिक खेले हैं, उनके ऊपर इनको एक टूर्नामेंट के बिना पर डाला गया, तो इसको भी ज़रा जस्टिफाई करें आप। अच्छा, पहले जो आपने बात की है कि सिलेक्टर्स एक होना चाहिए चीफ सिलेक्टर, पहले भी होता रहा ये, और मेरा ख्याल इस बार जो बोर्ड ने डिसाइड किया है वो यही किया कि सब सिलेक्टर हैं और सब की पावर इक्वल है, सबका जो भी है डिसीजन होगा, लेकिन जो वोटिंग जिस तरफ ज़्यादा होगी वो डिसीजन होगा, तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। वाजकात सिर्फ सारी चीज़ें आप चीफ सेलेक्टर के पास पावर चली जाती थी, फिर लोग उनसे क्वेश्चन करते थे, अच्छा आप सबसे क्वेश्चन करें, सबसे पूछें हमारे हम सब की क्या सोच है, और मेरा ख्याल है कि हम सब की एक सोच है, एक पेज पर है, हम ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, हम लोग रहें या ना रहें, वो जहाँ भी खेलें, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी बॉलिंग हो, वो परफॉर्म करें, हम सब ये चाह रहे हैं और आप सब भी यही चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते, तो मेरे ख्याल है हम सब की सोच यही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक नई चीज़ है, लेकिन अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे नतीजे प्रोड्यूस करें। लाहौर के मैं असद शफीक कराची से हैं, और गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से हैं। देखिए ये मेरा डिसीजन तो है नहीं, और लेकिन ये ऐसी कोई बात नहीं है, सारे अच्छे क्रिकेटर हैं, इसमें कोई ऐसा बता दें कि जो डिज़र्व नहीं करता वो आप बता दें।
नहीं, पाकिस्तान का मसला है ये, पाकिस्तान है हमारा और पाकिस्तान में से ही लड़के लिए अब्दुलरजाक आपके सामने एक बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, असद शफीक माशाल्लाह 80 टेस्ट मैच खेले और हर जगह परफॉर्म किया है, वहाब रियाज आपके सामने सारी परफॉर्मेंसेज हैं, ये हमारे पास डाटा के बेस्ट हैं और वो सारी चीज़ें, आजकल डाटा बहुत ज़रूरी है, अगर ये लोग ना हो आप हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। तो जितने भी लोग हैं, कैप्टन ऑब्वियसली कैप्टन भी है बीच में, गैरी क्रिस्टन हमारा चीफ सेलेक्टर है, हेड कोच है, तो ये सारे मिल के एक टीम बनाएंगे। हाँ ये देखें, उस्मान की जहाँ तक बात रही तो उस्मान की परफॉर्मेंसेज हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से बहुत आउटस्टैंडिंग रही है पीएसएल में, और ऑब्वियसली ही वाज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम किया है और आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। बाकी अगर कोई इश्यूज हैं तो वो आई थिंक वो पीसीबी मैनेजमेंट दे विल लुक इनटू इट। मेरा सवाल जो है ना वो बिलाल अफजल साहब से है, आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर आए हैं, वैसे आपकी डिग्री तो फाइनेंस में है एज फार एज आई नो, मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि मोहम्मद आज़म खान जो हैं वो टीम का हिस्सा हैं, उनकी फिटनेस के ऊपर जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह जो है वो जो परफॉर्मेंसेस की जब बात हो रही है कि किन लोगों ने क्या परफॉर्म किया, तो आज़म खान जो है उनकी सिलेक्शन को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे एज डेटा एनालिस्ट? पहले तो डेटा एनालिस्ट मेरी डिग्री जो है वो आई एम एन इंजीनियर, आप लोगों के ज़्यादातर जो डाटा एनालिस्ट रहे हैं हसन चीमा फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ देम आर इंजीनियर्स, इसके बाद मैं स्ट्रेटजी और फाइनेंस में काम किया हुआ है विच रिवॉल्व्स अराउंड डाटा, दैट्स व्हाई डाटा बेस्ड डिसीजंस लेने का मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर है। सेकेंडली आज़म खान के लिए ये हम लोग जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, द रीज़न देयर इज़ नो चीफ सेलेक्टर इज़ के कलेक्टिव विजडम के ऊपर हम लोग रिलाई करते हैं, जो हमारी डिबेट होती है वो एक बंद कमरे में होती है और एक यूनैनिमस डिसीजन के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। आज़म खान जिस नंबर पे खेलता है, जो कोच और कैप्टन की स्ट्रेटजी है, जो उसके स्टैट्स हैं स्पेशली इन ऑन द पिचेस जहां हमने जाके खेलना है, वी थॉट के उसकी हमें वी शुड गिव हिम अ वेरी फेयर चांस लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप के उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो जो है हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। अब भाई सिलेक्शन कमेटी ने जो कप्तान अनाउंस किया है बाबर आजम के, आपकी रजामंदी से बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाया गया, एक तो बताइएगा उनका टेन्योर क्या न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए है, दूसरा अभी तक वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ, वो कौन होगा, क्या माजी की तरह जिस तरह वाइस कैप्टन तो बना दिया जाता है लेकिन जो कप्तान तब्दीली की बारी आती है तो किसी और को कप्तान बना दिया जाता है, तो वाइस कैप्टन क्या इस दफ़ा कप्तानी के लिए अवेलेबल भी होगा और बाबर आजम का टेन्योर? देखिए बाबर आजम की जहाँ तक आपने बात की तो वो आपका वाइट बॉल कैप्टन है, ठीक है जी, जहाँ तक रहेगी वाइस कैप्टन की बात तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमारी डिस्कशंस चल रही है, वी वांट समबडी टू स्टैंड बाय बाबर और उसमें हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि क्या चीज़ जो है वो टीम के बेनिफिट में है, तो फिर वो हम इंशाल्लाह लेटर अनाउंस करेंगे। ऑब्वियस है, आपको कोई शक? जब वहाँ भाई एक ये बता दें, जो आपने रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है, क्या ये कप्तान पे लागू होगी या कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स पे होगी? दूसरा ये बता दें, लास्ट टाइम आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी कामरान अकमल के साथ, उस वक्त आपका फोकस था कि हमने बैकअप तैयार करना है, लेकिन बैकअप हमारा ये तैयार हुआ कि शहीन अफरीदी की जगह एक रिटायर्ड प्लेयर वापस आ गए, इमाद वसीम भी जो है वो भी रिटायर्ड प्लेयर वापस आ गए, जबकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो हसीबुल्ला हैं, इरफान जिसमें साहबजादा फरहान है, जो एक मोहम्मद अली जो पीएसएल बड़ा अच्छा खेले हैं, उनको रिजर्व में रख दिया, तो ये कैसा बैकअप प्लान है कि एक रिटायर प्लेयर वापस आ रहे हैं शाहीन अफरीदी की जगह? अच्छा देखिए, शाहीन अफरीदी की जगह तो कोई भी वापस नहीं आ रहा, जहाँ तक रहेगी आमिर और इमाद की बात तो उन्होंने अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल किया, इमाद वसीम जो थे वो इस सीरीज से पहले एक सीरीज पहले उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये बताया था कि उनके कोई मेंटल हेल्थ इशूज़ है जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है, वंस ही हिमसेल्फ टुक दैट रिटायरमेंट बैक तो वो पाकिस्तान के हक में जो बंदा बेहतरीन होगा, जो हम समझते हैं, जिस तरह आपने देखा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं, लेकिन इमाद वसीम थ्रू आउट एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, सो जब वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे तो सिलेक्शन कमेटी का यह हक बनता था कि वो बेस्ट फॉर द पाकिस्तान पर्पज़ उनको सिलेक्ट करें। मोहम्मद आमिर की बात की आपने,
तो देखें अभी गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा कि हमारे इंजरी प्रोन लोग बहुत ज़्यादा थे और आमिर की परफॉर्मेंसेज भी सबके सामने हैं जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स जिसमें से आप सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली जो आपकी T20 टीम है। तो आई थिंक परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं एंड इफ़ समबडी इज़ अवेलेबल ये मैटर नहीं करता कि क्या कहते हैं कि वो कितना सॉरी ये मैटर करता है कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहा है। तो आई थिंक आमिर वॉज वन ऑफ दोज चॉइसेस, तो इस वजह से वो हमने उसको वापस टीम में लिया है। कीपिंग इन माइंड कि ऑब्वियसली हारिस रौफ इज़ ऑल्सो अनफिट टिल, मैंने आपको बताया कि मे बी ही विल बी अवेलेबल फॉर द इंग्लैंड सीरीज। जहाँ तक रह गई रोटेशन पॉलिसी की बात, देखिए वर्कलोड मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वर्ल्ड कप से पहले हमारा नसीम शाह का इशू हुआ, उसके बाद शाहीन को भी हम देखते रहे कि उसको रिसेंटली उसको इंजरी से वो आया और वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। सो यू नो वी हैव टू कीप आवर बॉलर्स फ्रेश फॉर द वर्ल्ड कप बिकॉज वी वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और ये वो बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी जो दुनिया के क्रिकेट में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट है। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो शाहीन शाह अफरीदी का नाम सर फहरिस्त होता है। तो यू नो वी हैव टू सेव आर प्लेयर्स और इस रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी बैठेंगे और बैठ सकते हैं। ये पॉलिसी सब प्लेयर्स के लिए है इंक्लूडिंग द कैप्टन। वहाँ भाई आपसे क्वेश्चन पहले मेरा ये था कि कैंप से ये इख्तलाफात सामने आ रहे थे कि शायद खबरें सामने आ रही थी कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी जाने के बाद बाबर आजम और इन दोनों के दरमियान कुछ ग्रुपिंग बन रही है, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी वजाहत चाह रहा था कि क्या प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंप के अंदर आपने कैसा माहौल देखा है, क्योंकि बाबर आजम को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया गया फिर शाहीन अफरीदी को लाया गया तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन जा रहा था, तो उस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी मांग रहे थे। और दूसरा रमीज़ राजा की एक स्टेटमेंट आई थी मोहम्मद आमिर हवाले से कि अगर वो उनके बेटे होते तो वो उनको आग कर देते और वो उसको खिलाते ना, तो क्या आप समझते हैं ये स्टेटमेंट काफ़ी नेगेटिव है, इस तरह गलत इम्पेक्ट जाता है, क्या कहेंगे इस पे भी? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सेइंग दिस कि जो ये रमीज़ राजा साहब ने जो कमेंट किया मोहम्मद आमिर के ऊपर दैट इज़ वेरी हार्श और मेरा नहीं ख्याल कि ये बनता, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव कॉमेंट। आई थिंक हर एक बंदे का अपना परसेप्शन है और हर एक बंदे को अपनी इस दुनिया में और हमारा दीन भी अलाउ करता है कि वो अपने ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है, सही हो गलत हो वो बात की बात है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेगेटिव कमेंट, ऐसे उनका है सोच ही उन तक रहेगी। दूसरी बात जो आपने की माहौल की, देखिए हमारे इधर इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो जाती है, चीज़ों को ख़राब करने वाले हम लोग ही होते हैं। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी तो मीडिया में इतनी ज़्यादा और सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव है कि वो इतनी ज़्यादा बातें कर रहा था कि ऐसे लग रहा था कि भाई शायद अगर हम काकुल ना जाते तो आपस में एक दूसरे को मार मूरी ना देते। तो उसका जवाब यह है कि जब हम गए तो हमने देखा कि इससे अच्छा माहौल हमने नहीं देखा, लड़के बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे। जब अपनी ट्रेनिंग से फारिग होते थे रोज़ा इफ्तार करते थे तो वहाँ पे एक स्नूकर रूम है, गेम रूम है, उधर बैठ के कुछ स्नूकर खेल रहे होते थे, कोई टीवी पे मैचेस देख रहे होते थे, क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते थे और एक बहुत ही अच्छा माहौल था। मेरा ख्याल है कि जब भी हम लोग इस तरह की कोई न्यूज़ ब्रेक करें तो आई थिंक उससे पहले हमें इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और आई थिंक यही उनका मकसद है और उस मकसद की वजह से आई थिंक वो लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे भी इकट्ठे रहेंगे और यही लोग जिनकी आप बात करें यही आप लोगों को पाकिस्तान के मैचेस जितवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ मेरा आपसे और रज़ाक से क्वेश्चन है कि यहीं पे बैठे थे आप लगभग 3 माह पहले, आपने बताया था कि बाबर को क्यों हटाया और शहीन को क्यों लाया गया, तो उस बीच में बाबर ने कहीं कैप्टनसी में बड़ा काम नहीं किया लेकिन फिर बाबर आए, और रज़ाक ने सिर्फ 1 माह पहले बताया था कि अगर उनके पास इख्तियार होता तो बाबर वाइट बॉल के कप्तान ना होते रेड के ज़रूर होते, तो ये अचानक चेंज कैसे आया? दोनों ने देना सर, दोनों को ही कहें। अच्छा जी, बाबर की पहले शाहीन की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ऑब्वियसली जब शाहीन कैप्टन नहीं रहे तो एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की थी और वो अभी हमने डिस्कस भी किया इधर बैठ के कि ही इज़ वन ऑफ आर मेन स्ट्राइक बॉलर्स एंड वी वॉन्ट हिम रियली फ्रेश। हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं वी वॉन्ट हिम फ्री ऑफ माइंड टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स एंड स्टफ एंड तो इस वजह से हमने शाहीन की वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए वी टुक दैट डिसीजन। जहाँ तक रह गई बाबर की बात, तो देखे बाबर के बारे में जब हमने यहाँ पे कप्तान वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हमने अनाउंस करना था तो हम चाहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो और जिसने कप्तानी की हो, तो वो बाबर से अच्छी और कोई चॉइस थी नहीं। सो दैट्स वाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें आपने जाके खेलना है, तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो एक तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम
or he's the most experienced captain. Obviously, he hasn't won anything. There is always a room of improvement, jis pe hum still believe karte hain, aur humne Babar se uske bare mein baat bhi ki thi. So I believe ke inshallah cheezon mein behtri aayegi, usko leke chalenge sare, aur I think he himself is very optimistic ke ye wala World Cup usko jeet raha hai aur Pakistan ko koi na koi khushi deni hai. Thank you. और आप जब टीम को वॉच कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपको एरर नज़र आते हैं, क्योंकि हमने सारी उम्र क्रिकेट खेली है. और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की, और हमने एक इंसाफ करना था, डिसीजन ऐसा डिसीजन लेना था जिससे एक जस्टिस हो सबके लिए, तो हमने जो डिसीजन लिया उसमें बाबर सरफेस थे. उस वक्त टीवी पे बैठे हुए थे, और एक सोच होती है जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपने एक इंसाफ करना होता है. तो मैं समझता हूँ जब हम आए यहाँ पे तो बेस्ट चॉइस जो हमें नज़र आई वो बाबर आजम की नज़र आई थी.